एक्सपेक्टेड जो है अंदाजन कितनी उम्र होती है हिरण की, ये जो काले हिरण की ये साल में कितनी दफा जो सो लेती ये है? 6-7 मंथ में एक दफा। हाँ, एक दफा। अच्छा, कितने बच्चे देती है? बच्चा देती है। आजकल जो बच्चे हैं ये जो छोटे हैं सामने घूम रहे हैं 5 महीने के, क्या रेट होगा इनका? मिनिमम बंदा रखे तो ये फायदा मंद है इसके लिए? कम से कम अगर शुरू करना है तो, अगर डायरेक्ट आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा आपके पास है तो फिर 7-8 मादियां ले, एक नारो, हर चीज, हर नस्ल का ना, एक एक। अच्छा, 2-3 नस्लें हों उसके साथ साथ, अगर थोड़े से स्टार लेना चाहते हैं तो एक नार 2 मादियां लाजमी होगी। आप एक साल में कितने गिरन बेच लेते हैं? लाइसेंस चाहिए होता है पाड़ा के लिए? हाँ, सबका लाइसेंस है। अच्छा, हमसे भाई ये चीतल है, बहुत कम है ना, ये इधर से बहुत कम, चीतल महंगा बहुत है। अच्छा, चिनकारा है, उसका क्या हिसाब है, वो कितना रेट होता है चिनकारा का? कौन सी किस्म है और ये क्या चीज है? ये पंजाब हुड़ियाल इसे कहते हैं। भाई आप बताएं कि आपके फार्म का एड्रेस क्या है और अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खिची। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हमारे दोस्त हैं अली भाई, अली अब्बास साहब, जिनकी वीडियो मैंने पहले भी लगाई थी, और मैं आया हूँ इनके डियर फार्म पे। इन्होंने हिरनों का फार्म जो बनाया हुआ है, हमने 2 साल पहले वीडियो लगाई, उस वक्त हमारे चैनल का भी स्टार्टअप था और माशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। तो हमने कहा कि अभी 2 साल बाद इनकी कीमतों में कितना एक फ़र्क आया होगा और क्या कुछ तब्दीलियां आई हिरन की फार्मिंग में, तो आज हमने वो सारी तब्दीलियाँ को डिस्कस करनी उनके साथ। और दूसरा, जो लोगों के बहुत ज़्यादा क्लेम होते हैं कि जी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो आज इनसे वो सारे सवाल हमें जानने हैं। बड़े ये बिजी थे क्योंकि ये सियासत में भी इन्वॉल्वमेंट है इनकी, पीपल पार्टी के बड़े जाले हैं, तो हमने आज इनसे बड़ा इनके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकलवाया और मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप हमें ज़रूर टाइम दें। तो आज इनका सबसे पहले हम शुक्रिया भी अदा करते हैं अली भाई का कि इन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी, मेहरबानी, आपने टाइम दिया, मसरूफियत ज़िंदगी है ही है। अली भाई बताएं, अभी आज कल कितने कौन कौन से हिरन हैं आपके पास? आजकल भाईजान ये ब्लैक हिरन है और पाड़ा है हमारे पास और चीतल का है एक जोड़ा। अच्छा, फॉलो डेयर था, अभी वो थोड़ा सा ना मार रहा था, फिर अबू जी ने दे दिया है, वो क्रॉस नहीं कर रहा था ना, वो अच्छा। मार था, वो पेयर था। हाँ, पेयर, 2 मादियां थी, एक मार था। अच्छा, फिर वो 3 थे हैं? जी जी। अच्छा, 12 सिंगा जिसको बोलते हैं। नील गाय थी वो उधर खूह पे ही रखी हुई ना, डेरे पे, जहाँ पे जानवर वगैरह डेरे पे। अच्छा अच्छा, तो बाकी ये इनमें नार इधर छोड़ा हुआ है, अभी ये मारता है उनको ना चीतल का। ये किस तरफ? ये दूसरी पहाड़े की तरफ छोड़ा हुआ? हाँ, पहाड़े की तरफ। वो गब्बन है ना। अच्छा, तो वो फिर अभी नार जवान हो रहा था तो वो मारता था इनको। ब्लैक जो डियर है ये सामने वाले है ना जी? ये ब्लैक डियर है। ये कितने मादियां कितनी है? ब्लैक बग, ये मादियां हैं इसमें जी, 8 मादियां हैं नौ, बाकी इनके 3 बच्चे हैं, बाकी गब्बन है अभी, बच्चे देने वाली है। अच्छा अच्छा, ये वाला जो है ये हिरन है? ये जी ये मेल है। अच्छा, बाकी फीमेल है। इसकी कितनी उम्र होगी भाई अली? इसकी मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये आया ही था जवान ही था, इधर से भी होगा ये 3-3.5 साल का। अच्छा, 3 साल का। तो अच्छा, अभी 3 हमारा, ये 6-7 साल का है। अच्छा, 7 साल का है। ये जो इसके छोटे वो जो बच्चे हैं वो एक उसके पीछे खड़ा हुआ है, एक इस तरफ, ये बच्चे हैं ना? ये बच्चे हैं, 4-5 माह के हैं जी, एक मेल है, एक मेल, एक फीमेल। अच्छा भाई अली, ये जो छोटे बच्चे हैं ये तो अभी इनकी तरह ही है जैसे फीमेल होती है? जी जी जी। तो ये इसकी तरह जो मेल है वो कैसे होगा? ये जो काला जब जवान होगा ना, तकरीबन 2 से अबव ऊपर जाएगा तब ब्लैक होना शुरू। एक्सपेक्टेड जो है अंदाजन कितनी उम्र होती है हिरन की, ये जो काले हिरन की? आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन ये मादियां हमारे पास जो खड़ी हैं ये अपने घर की हैं, ये भी हमारे पास 4-4, 5-5 दफा सो चुकी हैं ना। अच्छा, अभी भी गब्बन है। अच्छा, और नार भी 6-7 साल का है, तो देखे माशाल्लाह ठीक है। कितने बच्चे देती है? बच्चा देती है, अल्लाह करे, अल्लाह की अपनी है, उसमें अगर हो तो 2 भी दे दे, लेकिन ये ज्यादातर बकरी जैसे 2 देती है, अगर 1 दे तो वो उसका अपना अल्लाह का निजाम है। 12 ये देती है क्या है? अगर हो सके तो अल्लाह पाक इनको करे तो वो फिर 2 हो जाए। हो जाता है वैसे कई दफा? हमारे पास नहीं हुआ। एक है ना ब्लैक, मेरे सबसे मजबूत ये है।
पाड़ा। अच्छा, ये दोनों चीजें सबसे कभी भी नहीं है, एक आदि कोई हमारे पास हुई है बीमार या कोई फौत वगैरह। अच्छा। यहाँ नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहा। अच्छा, ये बिल्कुल भी कोई नहीं। अच्छा, ये फीड इनको आजकल जो है सर्दी का मौसम आ रहा है चारा। अच्छा, सिर्फ चारा ही? हाँ, बरसन और लूसन नरम नरम का। ये देखे ना, ये हमने दरख्तों के दानिया भी लाते हैं, वो भी डालते हैं, वो बड़ी शौक से खाते हैं। है फार्मिंग आपको करते हुए हमें पता ही नहीं ये कहाँ पे होती है कसूरी, कभी रिसर्च में नहीं की? हाँ, रिसर्च की है दो तीन दफा, मतलब कोई कहता है इसके वो नाफ के नीचे होती है, चेक की है, कोई नहीं हुई। एक मरा था, कुछ कहते थे इसके इस जगह पे बीच में होती है, उधर से भी किया लेकिन कोई नहीं, हमें नहीं मिली। और फिर इनको कोई वंडा शंडा भी डालते हैं या कोई इस तरह की चीज कोई? नहीं नहीं, वंडा शंडा नहीं डालना। अच्छा, चने वगैरह डाल लेते हैं, डालें और चने वगैरह थोड़े से पानी में भिगो लिए रात को ना। अच्छा, तो इस टाइम थोड़ा सा आके डाल दिए, वो खा लेते हैं। हिरन के गोश्त कभी खाया आपने? इतना अच्छा होगा खाया, कैसा गोश्त होता है इसका? इतना तो टेस्ट इतना ठीक ही है, गोश्त अच्छा, मतलब हिरन खा रहे हैं ना वो। रात बनी हुई है कि हिरन हिरन खा रहा है, खाने वाले को शौक होता है कि हिरन खा रहा हूँ। ये आपका मेल जो कितने का होगा ये वाला? ये वाला तो हम डेढ़ का भी ना दे कोई। अच्छा, मतलब हाँ माशा देखे ना उसका, ये तो बहुत जबरदस्त, ये 50 तकरीबन इसमें 45-50 केजी इसका गोश्त होगा। 50 से मैं कह रहा हूँ। सींग कितने के इसके लंबे होंगे? ये सींग बड़े डेकोरेटेड होंगे, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े हैं, इससे बड़ा करता जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा करेगा जैसे जैसे बड़ा होता है, एज के साथ चलता रहता है ना वो। अब हम आते हैं पाड़ा की तरफ। अच्छा, ये आजकल जो बच्चे हैं ये जो छोटे हैं सामने घूम रहे हैं 5 महीने के, क्या रेट होगा इनका? मार्केट में तो रेट ये 3 लाख 2 लाख 3 लाख का मिलेगा। अच्छा, ये शौक होगा तो शौकीन को 4-3.5 जाओ पे कोई बेच ले। अच्छा, जितने मार्केट में ये 3 लाख के तक, 3 लाख के हैं मार्केट। अच्छा, मार्केट इनकी 3 लाख। हाँ भाई, आराम से अगर कोई व्यापारी भी आता है लेने, वो 3-2.90 देता है। 15-20 दिन के होते हैं आप अक्सर सेल करते हैं? हाँ, 15-20 दिन की करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, बच्चा मर जाता। अच्छा। है मतलब वो दूध शूद महीने के हम कर देते हैं, मतलब चारा खाने वाला बहुत है। अच्छा, फिर ये उस वक्त कितने के होते हैं? उस वक्त भी थे, उस वक्त भी 2.5-3 के। ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है जो ज्यादा चल रहा है? सारा ही चलता है, गर्मी में भी पैदा हुए हैं, सर्दियों में भी पैदा हो रहा है, जैसे क्रॉस करता है फिर वो हो जाता है। सर्दी नहीं लगती इनको ऐसी को? सर्दी में तो सर्दियों में ही तो ठीक रहते, गर्मी इनको खराब है, गर्मी ज्यादा लगती है। अच्छा, सर्दी तो गर्मी सर्दी ना ना। अच्छा, सर्दी नहीं लगती? सर्दी में तो ये देख लें ब्लैक, और गर्मियों में आप देखना ये हिलियों की तरह हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी सर्दियों में मोटा ताजा सही है, क्योंकि अच्छा, गर्मी में इनको थोड़ा सा होता है मसला, सर्दियों में नहीं होता। अच्छा, नेचुरल सा एनवायरनमेंट है, जैसे जंगल में कोई इतनी ज्यादा सफाई वगैरह का कल्चर हाँ, होता है, यहाँ पे भी ऐसे इनको रखना होता है? ये देखने आपके सामने 10-15 दिन बाद एक बार मुलाजिम जो है वो लगा देता है, बीच में सफाई कर देता है, चारा सूखा हुआ पड़ा हुआ निकाल लिया। अच्छा, बाकी सब चीजें ही चलती रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक हो। मैंने आपको बोला है ना, ये शौक बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये हमारे खूबसूरती भी है अपनी, आप करें, शौक भी है, बिजनेस भी अच्छा है, कारोबार भी बहुत जबरदस्त। ये मैं कहता हूँ भैंस और जो है ना गाय वगैरह, उनसे ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, उनसे भी ज्यादा? वो महंगा है, इसलिए ना आजकल बंदे मिलते ही नहीं है काम करने वाला कोई, ऐसे ही है। आप बंदों को हमने, आपको पता है ना, खड़े हुए हैं उधर, बंदों के ऊपर रहना पड़ता है, इनके ऊपर नहीं रहना पड़ता। बस किसी टाइम चारा डाला, बस एक नौकर है वो आता है, चारा लेके आता है, डाल देता है, पानी शानी डाला, बस अपना काम किया। कितने को मिनिमम बंदा रखे तो ये फायदा मंद है इसके लिए? कम से कम अगर शुरू करना है तो, अगर डायरेक्ट ही आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा आपके पास है तो फिर 7-8 मादियां ले, एक नारो, हर चीज हर नस्ल का ना, एक एक। अच्छा, 2-3 नस्लें हों उसके साथ साथ, अगर थोड़े से स्टार लेना चाहते हैं तो 1 नार 2 मादियां लाजमी होगी। अच्छा, तो वो फिर ब्रीड करती है ना, फिर उनको छोड़ दे, ब्रीड कर रहे, बच्चे हो रहे, जवान हो, वो साथ मिलते हैं। अच्छा, अभी मेरे अबू जी के हैं ना दोस्त, वो मुस्तफा खार साहब, उनके पास इस वक्त 500 पाड़ा खड़ा हुआ है। अच्छा, दोही साहब है, मुस्तफा दोही साहब मोरो में, बड़े लेवल के। अच्छा, उनके पास तो ये ब्लैक हिरन के 1000 बार खड़े हुए। वो तो सेल भी नहीं करते होंगे? वो इकट्ठा करते हैं ना, करते हैं। अच्छा, इकट्ठा करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, ये तो कोई। अच्छा, किसको पैसा नहीं अच्छा लगता जी? मैं कहा चले वो शौक जी हमारे, हमने नहीं 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 नहीं, वो बल्क में वो इस तरह नहीं करते ना कि एक दो बेच, वो 200 इकट्ठा कर दिया, जब वो सारा मतलब 1000-1500 ना उसका इकट्ठा, वो अक्सरियत के तौर वो बाहर ही
ज्यादा बेचते हैं। अच्छा पाड़ा है भाई, ये कितने हैं अभी आपके पास? ये हमारे पास हैं 7-8 हैं। अच्छा, ये इसके लिए भी एक ही मेल काफी होता है? एक ही मेल। इसकी एज कितनी होगी? ये एस्टिमेटेड जो है 10-12 साल से बूढ़ी नहीं। इनकी ब्रीडिंग की क्या सीन है, कितने एक बच्चे? ये भी एक देती है, एक बच्चा देती है, एक बच्चा। बहुत एक्सेप्शनल है कि जो दो हो जाए। काम ही है हमारे पास नहीं हुए दो कभी। अच्छा, आप एक साल में कितने गिरन बेच लेते हैं बच्चे? जो ये सारे बच्चे हैं तो इनके बिकते रहते हैं हमारे पास 10-10, मतलब 15 हरनियां भी कभी जमा हो जाती हैं। अच्छा, इकट्ठी हो जाती है? हां, इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर वो फिर ब्रीडिंग हो जाए तो अक्सर लोग, तो बच्चे क्योंकि बड़ी महंगे बहुत ज्यादा है ना, तो बच्चे फिर लोग दोस्त वगैरह जानने वाले लेते हैं अक्सर, वो पहले ही बुक करवा देते हैं कि हमें अब देनी है जी, बेचनी नहीं है, हमें दे दे। इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है पाड़ा के लिए? हाँ, सबका लाइसेंस है। अच्छा, अब सबका चाहिए? पहले मैंने सुना था कि निकाले के लिए चाहिए। सारों का लाइसेंस है? सारों का। अच्छा, लाइसेंस सबका जरूरी है जी? पेयर का है तो पेयर कर लेना है, अगर ब्रीडिंग वाला बनवाना है तो वो फिर सारों का बनना है। मेरे से आप लेते हैं तो मैं आपको लेटर दूंगा, आप लेटर जाके देंगे वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ वो आपको जगह बताए, आप खुद बना ले चलो छोटी सी, उसमें आपको रखने होंगे, रख के उसके बाद आप लेटर जमा करवाएंगे, जब लेटर आप जमा करवाएंगे उस तब वो आपको फिर लाइसेंस बनवा देंगे। क्या रेट है पाड़ा का? ये बड़ा पेयर जो है 2.5-1 लाख। ब्रीडर 2.5 लाख, उससे सस्ता होता है? हाँ, ये बहुत सस्ता। अच्छा, और ये बच्चा जो है? बच्चा 2-3 मंथ का है, जो 1.5-2 लाख, 1 लाख 70 पेयर। हाँ, पेयर मिल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जी आगे आ जाते हैं, ये वाला कौन सा भाई? ये चीतल है। इसके लिए भी लाइसेंस का चक्कर है? इसका भी लाइसेंस, बिल्कुल लाइसेंस चलेगा सारा। नेचर का भी कोई फर्क होता है ये कि मसलन ये जो वो ज्यादा सेंसिटिव हो? हाँ हाँ, ये वाला बिल्कुल। ऐसे आपके पास कितने हैं ये जो? ये हमारे पास दो मादियां एक नर है। अच्छा, दो मादियां जी, जी। एक नर है। पहले एक आप पहली दफा आप आए थे ना, आपको देखा था, वो बड़ा नर मर गया था, फिर मिला ही नहीं। ये बहुत मिलते ही बहुत कम है ना, ये बाहर ब्रीड है, इधर से बहुत कम मिलता, महंगा ही बहुत है। अच्छा, ये 8 से ऊपर ही पेयर है इसका। अच्छा, 8 लाख से ऊपर इसका एक पेयर है, ब्रीडर जो है? ब्रीडर। और बच्चे? बच्चे फिर उसी हिसाब से 4-4.5, 3 कह रहा हूँ, 3.5-4.75 के दरमियान में। अच्छा, ये और ये भी बच्चा देने वाली है? हाँ, ये दोनों गबन है। ये कितने अरसे बाद मारता हुआ है फिर, इसलिए कि ये मारता है फिर वो। अच्छा, ये इनको फिर मारता है। ये कितने के दे देती है? ये भी एक के बाद बच्चे 6 मंथ, ये भी 7-1 मंथ लगा देते। अच्छा, इसके अलावा आपने 12 सिंगा भी रखा है? जी जी जी। उसका क्या सीन है, वो कितनी एक उम्र होती है उसकी और वो क्या होता है? उसकी भी इसी तरह ही एज है, उसके तो सींग बड़े खूबसूरत बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो मारता बहुत है, इसमें इसको बड़ा मसला बना। अच्छा, ये बंदों को भी मारता है या आपस में? आपस में लड़ाई नहीं, बंदों को हमें नहीं आया। अच्छा, वो बंदों को भी मारता है? ये सारी ये तोड़ के वही किया हमने, ये दिखा के चीज रखी हुई है। अच्छा, ये 12 सिंगा जो है उसका क्या रेट? तकरीबन 4.5-5 तक उसका। अच्छा, 4.5-5 के दरमियान। उसका भी इनकी तरह की नेचर उसकी भी है कि बच्चे जो है वो 6 महीने में और इस तरह के? हाँ, वो भी 7 मंथ में मतलब ब्रीड करता है। ये हिरन और चिंकारा हिरन, ये मतलब एक चीज है। अच्छा, इनकी नस्ल में फर्क, वैसे जैसे आप भैंस और गाय हैं, ठीक समझ आ गई? ये समझने इनकी, ये दोनों चिंकारा और ये दोनों हिरन है, और पाड़ा और वो जो दूसरा चीतल है ना, ये दोनों एक है। अच्छा, वो पाड़ा और चीतल एक? हाँ, ठीक हो गया। उन दोनों की मतलब ब्रीड में वो डॉट उसके ऊपर है, इसके ऊपर डॉट नहीं है, ऐसे ही है। और फॉलोडेयर जो है, फॉलोडेयर की अपनी एक एग्जाम। अच्छा, चिंकारा है उसका क्या हिसाब है, वो कितना रेट होता है चिंकारा का? चिंकारा भी बड़ा पेयर जो है 2.5-2.6-2.70 तक मिल जाता है, लेकिन हमने कम रखा है। अच्छा, वो हमारे पास उसने ब्रीड, वो सस्ता होता है इनसे? हाँ, वो सस्ता होता है। अच्छा, वो जो है उसका वो आदमी के लिए रखा? वो नफीस बहुत है और हम उसकी केयर नहीं करते। अच्छा, वो ज्यादा नफीस होता है इनसे? उसकी केयर ज्यादा करनी है। अच्छा खान जी, ये कौन सी किस्म है और ये क्या चीज है? ये पंजाब हुड़ियाल इसे कहते हैं। पंजाब हुड़ियाल? सिर्फ पंजाब में पाए जाते हैं? जी, पंजाब हुड़ियाल। अच्छा, ये काला बाग में पाए जाते हैं? अच्छा, काला बाग है, सोन से केसर वाली साइड जितनी भी। अच्छा, ये फीमेल है? ये वाले जो फीमेल है वो मेल खड़ा हुआ? अच्छा, वो मेल खड़ा। जो इसके सींग, इसके भी बड़े कमाल के हैं, ये जीपों के ऊपर लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो जो सींग है ना, वो तो मारखोर के होते हैं। अच्छा, इसके भी लगाए होते हैं लोगों ने? हाँ, वो लगाए, फर्क बहुत बड़ी असल से चीज तो ये है ना। अच्छा, ये हाँ, ये मानूस बंदों के साथ हो जाती है, लोगों ने बड़े अक्सर रखे हुए ये वाले। अच्छा, और इसका सबसे अच्छा मुझे बड़ा ये आपके साथ खेलता भी है और मारता भी है और बड़ा। अच्छा, मारता भी? हाँ,
कमजोर बड़ा है ये क्या वजह? बीमार थोड़े से हो गए हैं दोनों। अच्छा, ये इनका आए कब है, आपने कब ये रखे हैं? ये हमारे पास हैं, हो गए हैं कोई दो एक साल तो हो गए हैं। इनके क्या रेट्स होते हैं, ये इनके बच्चों के क्या रेट्स हैं? ये बड़ा प्यार इस वक्त जो है ना, मादी 2.5 से 2,60,70 में मिल रही है, और नर भी 1,00,000 से ऊपर ही है, 1,20,000-1,25,000, मतलब ये भी 3 से 3.5-4 में जोड़ा मिलता है प्यार। अच्छा। जो ब्रीडर है। अच्छा, ब्रीडर है जी, ब्रीडर। अच्छा, और छोटा जो है मंथ, मतलब 1-2 मंथ वाला, वो मिल जाता है आपको 1,20,30,40 में मिल जाता है। ये अली भाई, आप बताएं कि आपके फार्म का एड्रेस क्या है, और अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। ये सरगोधा की तहसील है साहिवाल। अच्छा, और साहिवाल के आगे 19 किलोमीटर है हमारा गांव मोहम्मद अली वाला बलोचा। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0301-412-8408, व्हाट्सएप भी से भी बना हुआ है जी जी। तो कॉन्टेक्ट पर लोग कर लेते हैं, अगर वो फिर रब्ता पर लोग करते हैं, लेकिन एक महंगे बड़े हैं जी, हिरन बड़े महंगे हैं, हिरन बड़े। जब आपने पहली वीडियो बनाई थी ना भाईजान, वो उस वीडियो को आज में 4 साल का 3 साल का फर्क है, उस टाइम के रेट देख ले, कपड़ों के भी, हर चीज के, जूतों के, फिर वही होता है ना, ऐसे ही है। अब इनका शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब बहुत हर कोई ये शौक की चीज है, शौक में मतलब मुझे अब हमें आपको पता है घोड़ों का भी शौक है, ऐसे ही है। जब हमने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था 2007-08 में, उस वक्त अच्छा हॉर्स जो है वो मिल जाता था, मतलब 80 से 90 के दरमियान। अब नॉर्मल हॉर्स लेना तो 7-8 लाख से काम नहीं मिलता नॉर्मल, अच्छा तो 15 लाख-20 लाख से काम नहीं। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दें कि जी खान साहब के जो हिरन हैं उनके रेट्स क्या हैं, और मुख्तलिफ उनके जो बारे दूसरी इन्फॉर्मेशन वो भी हमने दी है। इसके बारे में अपने लाजमी कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि आने वाली मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।